हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम मानसिंह राठौर है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स का डीमैट अकाउंट के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैंने 8 कंपनियों के बारे में एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने स्टॉक्स कार्ड को नहीं रखा था। तो उसके नीचे कुछ कमेंट आ गए कि सर आपको स्टॉक्स कार्ड के बारे में भी बताना चाहिए, स्टॉक्स कार्ड भी एक बेस्ट ब्रोकर है। तो अभी के टाइम पर स्टॉक्स कार्ड काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुका है, इसके जो ऑफर हैं तो अब अट्रैक्ट बन चुके हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर हम स्टॉक्स कार्ड में अपना अकाउंट ओपन करने जाएँ तो क्या चार्जेस लगेंगे। तो दोस्तों, स्टॉक्स कार्ड के अभी जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेज हैं वो बदल चुके हैं। हालांकि अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर अभी भी लगभग 500 रुपये आपको चार्जेज दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों वो अभी अपडेट नहीं हुआ है। मैंने कंपनी से डायरेक्ट बात करके यह जानकारी ली है कि अभी के टाइम पर अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल जीरो है। और अगर बात करें हम AMC चार्ज के बारे में, तो AMC चार्ज मात्र 300 रुपये पर ईयर। अब दोस्तों, हम जानते हैं स्टॉक्स कार्ड में लगने वाले ब्रोकरेज चार्ज के बारे में। तो अगर आप स्टॉक्स कार्ड के अंदर डिलीवरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको जीरो ब्रोकरेज चार्ज देना है, मतलब कि कोई ब्रोकरेज चार्ज है ही नहीं। इसके अलावा अगर आप IPO में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में करते हैं तो भी आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना है। अब बात आती है इंट्राडे की। तो अगर आप इंट्राडे में जब बाई करेंगे ना, उस टाइम पर 15 रुपये लगेंगे, फ्लैट 15 रुपये है दोस्तों, इससे ज़्यादा चार्ज यहाँ पर नहीं लगने वाला है। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस होता है और आप सेल करते हैं, ठीक है, तो आपसे ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिए जाएंगे, मतलब कि सेल करने पर नो प्रॉफिट नो ब्रोकरेज, ठीक है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर और भी ज़्यादा बेनिफिट वाली बात हो जाती है। अदरवाइज ब्रोकर का क्या काम होता है कि भाई आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, मेरा जो है वो मुझे देते जाओ, लेकिन ये बोलते हैं कि नो प्रॉफिट और नो ब्रोकरेज। अब बात आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो आपसे ब्रोकरेज चार्ज लिए जाएंगे वो भी दोस्तों फ्लैट है, 15 रुपये आपको पर ऑर्डर देना है, मतलब कि बाई करने का 15 और सेल करने का भी 15। तो यहाँ पर जो नो प्रॉफिट और नो ब्रोकरेज वाला जो आपको बेनिफिट मिलता है वो सिर्फ इंट्राडे में मिलता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं मिलता है। अब इसके जो ब्रोकरेज चार्ज है ना, वो तो दोस्तों अट्रैक्टिव है ही, लेकिन अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं, आपको समझ में नहीं आता कि मुझे कब ट्रेड लेना है, ठीक है, कब नहीं लेना है, तो आप इनकी कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी का यूज कर सकती हैं। तो ये यहाँ पर प्रोवाइड करवाती हैं और इसका ब्रोकरेज चार्ज ये मार्केट में सबसे कम रखे हैं, मतलब कि जो बाकी के ब्रोकर हैं तो 50 रुपये कॉल एंड ट्रेड का लेती हैं, लेकिन ये सिर्फ 20 रुपये कॉल एंड ट्रेड का लेती हैं। और भी जैसे कि टैक्स वगैरह लगते हैं, उनको देखना चाहें तो अभी स्क्रीन पर मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, तो इस चार्ट को देखकर आप बाकी के चार्जेस भी समझ सकती हैं। तो बाकी के चार्जेस दोस्तों इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जैसे अदर कंपनियों में लगते हैं तो वही लगते हैं। आपको देखना है तो सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज देखना है, जो कि दोस्तों मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब दोस्तों इसमें बात आती है रेफर एंड अर्न की, मतलब कि अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपका कोई फ्रेंड है वो भी ट्रेड करना चाहता है, वो आपसे कुछ सजेशन मांग रहा है, मान लो वो यही पूछता है कि आप कौन से एप्लीकेशन में ट्रेड करते हैं, तो आप उसको स्टॉक्स कार्ड सजेस्ट कर सकती हैं और स्टॉक्स कार्ड का आप अपना रेफर लिंक उसको भेज सकती हैं। तो जब आप उसको रेफर करेंगे तो आपको 300 रुपये का एक वाउचर मिलेगा अमेजन का, जिससे आप अमेजन पर कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। और साथ ही वो ट्रेड करेगा तो जो ब्रोकरेज लगेगा तो उसका 15% आपको लाइफ टाइम आता रहेगा। अब हम जानते हैं कि स्टॉक्स कार्ड का लेटेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है। तो दोस्तों, जब भी कोई कंपनी खुद में ज़्यादा परिवर्तन करती है तो वो अपने एप्लीकेशन को ही चेंज कर देती है। जैसे कि अगर आप स्टॉक के देखना चाहें तो उसके भी अभी के टाइम पर 2 एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर स्टॉक्स कार्ड ने भी अपना एप्लीकेशन चेंज कर दिया है। तो दोस्तों, प्ले स्टोर पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है सुपर ईवो। तो सुपर ईवो जब आप सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आप देख सकती हैं कि यहाँ पर ये सुपर ईवो बाई स्टॉक्स कार्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ओपन कर लेंगे, आप यहाँ से इसमें लॉगिन करके ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकती हैं। एप्लीकेशन को लॉगिन कैसे करते हैं तो दोस्तों एप्लीकेशन पर एक अलग वीडियो बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन का एक डेमो वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स कार्ड के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक दिया है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जब आपका स्टॉक्स कार्ड में अकाउंट ओपन आप करने के लिए जाते हैं और अकाउंट ओपन नहीं होता है, कोई भी रिजेक्शन आती है, तो स्टॉक्स कार्ड कंपनी वाले आपको कॉल कर लेते हैं तो वो आपको सपोर्ट कर देते हैं। अदरवाइज आप स्टॉक्स कार्ड का जो अकाउंट ओपनिंग की टीम है उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकती हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप हमें मैसेज करेंगे तो मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।